हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और क्या आपने मुझे याद किया? क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैं थी नहीं। अब प्रवीण ने आपको हेथ्रो एयरपोर्ट, लंदन से पूरी ग्लासगो का सफर साथ किया। जैसा कि आप जानते होंगे कि कल रात हम लोग ग्लासगो स्कॉटलैंड पहुंच गए थे, और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सुबह के बज रहे हैं 7, और कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये व्यू हमारे होटल से है, बहुत ही क्लीन एयर, यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ही अच्छी है, तो मैं सोच सकती हूँ कि यहाँ के लोग इतने हेल्दी क्यों होते होंगे। तो आज हम निकल रहे हैं किसी स्पेशल प्लेस के लिए, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, या आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ग्लासगो से कहाँ जा रहे हैं। तो स्कॉटलैंड आने का हमारा मन काफ़ी दिनों से था, काफ़ी दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे, स्पेशली बिकॉज हमारे फ्रेंड्स स्कॉटलैंड आ चुके थे और उन्होंने इसके बारे में अच्छा रिव्यू दिया था, क्योंकि उन लोगों ने मुझे खास तौर से बताया था कि हम लोग काफ़ी बॉलीवुड फ़ैन है, तो स्कॉटलैंड का अच्छा खासा बोलूँगी मैं कि रिश्ता है बॉलीवुड से, जैसे कि दिल दे चुके सनम, कुछ कुछ होता है उसमें, जो स्कॉटलैंड की खूबसूरत जगहों को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है क्या, तो जो मैं खुद से सामने से देखना चाहती थी। और यहाँ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब दे आर वेरी एनरिच्ड विद देयर म्यूज़िक कल्चर। स्पेशली मैं आने वाले आपको कुछ समय में एक चीज़ दिखाऊंगी जो स्कॉटिश कल्चर का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसको कहते हैं स्कॉटिश बैग पाइप्स, और इनके ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, इस पर ये बहुत ही एम्फसाइज करते हैं और बहुत ही प्राउड फील करते हैं, जैसे कि हम लोग का डिफरेंट स्टेट्स का है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, डिफरेंट जो हमारे फोक्स डांसेस और म्यूज़िक्स हैं। Welcome to Scotland. Thank you. So finally, हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए after 2 hours of drive from Glasgow to Edinburgh, and अभी काफ़ी कुछ हमें explore करना है Edinburgh में। और एक छोटा सा मैं आपको recommendation देना चाहूँगी जो हम miss कर दिए, क्योंकि हम finally, मैं आपको कुछ Edinburgh के बारे में बताती हूँ। Edinburgh is the capital of Scotland. और एडिनबर्ग इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सिटी, एट द सेम टाइम इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड डीप एंड रिच कल्चर, जैसे कि यहाँ पे एडिनबर्ग कैसल, रॉयल माइल, नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड, कुछ ऐसी जगह है जो आप लोग कभी जाए तो ज़रूर जाना चाहिए। और अभी आप जो मुझे देख रहे हो इंजॉय करते हुए विथ स्कॉटिश बैग पाइप्स, तो ये इनकी ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है और ये इनके कल्चर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो साल भर में बहुत ढेर सारी फेस्टिवल्स होती हैं और सारे इवेंट्स में इस ट्रेडिशन की काफ़ी तारीफ होती हैं, काफ़ी शहर से बड़े बड़े लोग इनके इवेंट्स को देखने आते हैं और जो ये बैग पाइप्स के थ्रू ये म्यूज़िक अपना परफॉर्म करते हैं। और आप ये जो जगह देख रहे हैं, कैन यू गेस कि ये क्या हो सकता है? क्योंकि हमें बाहर से लगा था कि ये कोई म्यूज़ियम या कुछ ऐसा डिफरेंट आर्किटेक्चर होगा, बट काफ़ी अंदर था और अंदर आते आते पता चला कि ये तो रेस्टोरेंट है। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड हमने यहाँ पे फूड भी ट्राई किया, स्कॉटिश फूड काफ़ी अच्छा है, तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिएगा ये रेस्टोरेंट। और ये 1777 में बिल्ट हुआ था। एक चीज़ जो हमने यहाँ पे खास देखी, इनकी यूनिक बिल्डिंग आर्किटेक्चर, जो मतलब कुछ कुछ गॉथिक एलिमेंट्स थे, कुछ कुछ जॉर्जियन डिज़ाइन के थे, कुछ कुछ बारक्यू थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इनिशियली जैसा मेरा था कि विक्टोरियन टाइप की आर्किटेक्चर होगा जैसा ग्लासगो में था, बट जब मैं एडिनबर्ग आते हैं तो ये डिफरेंट ही ऑल टुगेदर आर्किटेक्चर को ये फॉलो करते हैं, एंड मोर ऑफ ट्रायंगुलर शेप रूफ लाइंस,
जो मैंने देखा कि खास तौर से कॉमन है स्कॉटिश आर्किटेक्चर में, और इनकी जो बिल्डिंग्स भी है वो स्टोन एंड टिम्बर से बनी हुई है, और काफ़ी अच्छा लैंडस्केप था. और पहले मुझे लगा कि कुछ तो मतलब डिफरेंशिएटर होगा कि ऑफिस के बिल्डिंग्स में या जहाँ जो रेंटल प्लेस है, जो रेस्टोरेंट्स है, बट एक चीज़ जब हम लोकल लोगों से, विजिटर से पूछा तो पता चला कि नहीं, बिल्कुल सारे आर्किटेक्चर सेम हैं, इसमें ऑफिसेज भी हैं, इसमें लोग रहते भी हैं. तो इनिशियली मुझे तो थोड़ा सा देख के डर लग रहा था कि कैसे लोग रहते होंगे, तो फिर इस वजह से पहले मैंने चर्च से शुरुआत की एक्सप्लोर करना, और आपको भी दिखाती हूँ कि चर्च कैसे एडिनबर्ग का दिखता है. एडिनबर्ग हैज फेमस सेवरल चर्चेस, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड विच आप लोग देख रहे हैं, विच इज़ नोन एज सेंट गाइल्स कैथेड्रल. इट इज़ 900 ओवर ईयर्स ओल्ड, एंड ये काफ़ी प्रोमिनेंट लैंडमार्क है सिटी ओल्ड टाउन में. तो एक बार जरूर जब आप एडिनबर्ग आए इस चर्च को जरूर विजिट करिएगा. इट्स फेमस फॉर इट्स गॉथिक आर्किटेक्चर और बिकॉज ऑफ इट्स ग्लास विंडो एंड ऑर्नेट कार्विंग्स. क्या आपको पता है एडिनबर्ग हैज अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द हैरी पॉटर, एंड दिस सिटी वॉज अ की लोकेशन फॉर फिल्मिंग ऑफ ऑल द मूवीज. एंड इसके कुछ आइकॉनिक सीन्स, जो सीन्स थे सीरीज से, वो एडिनबर्ग में ही फिल्म किए गए थे, जैसे कि जो आपका हॉगर्ट शॉट्स ऑफ विट्सक्राफ्ट एक्सटीरियर शॉट्स था, बाजार ड्राई का था. तो जो इंस्पिरेशन था हॉगर्ट्स का, इट इज़ सेड दैट इट हैव कम फ्रॉम एडिनबर्ग कैसल, सो विच सर्व एज अ मॉडल फॉर कैसल्स एक्सटीरियर डिज़ाइन. एडिशनली इसकी जो और भी लोकेशन है, जैसे कि विक्टोरिया स्ट्रीट, ये जो मैं आपको स्ट्रीट दिखा रही हूँ उसको बोलते हैं विक्टोरिया स्ट्रीट, उसके बगल में ही ये नेबरहुड ग्रेफर्स किर्कयार्ड, तो ये भी बोला जाता है कि इट हैज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड वेरियस एलिमेंट ऑफ द हैरी पॉटर यूनिवर्स. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मल्टीपल प्लेसेस पे अपनी फोटो क्लिक करा रही हूँ, बिकॉज एंड प्रवीण भी, इट्स अ वेरी फोटोजेनिक प्लेस, एंड इट लिटिल बिट रिजेंबल्स विद यूरोपियन, जैसा हम मतलब हमें तो बिल्कुल यूरोप जैसा ही लगा, बिल्कुल उसके मार्केट, जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, रेस्टोरेंट की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, सिटिंग एरिया, सब कुछ वैसा ही लग रहा था. और यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी है, बस भी, जो पूरा सिटी एडिनबर्ग विजिट कराते हैं विद अ टूर गाइड. तो स्पेशली जो फैंस हैं ऑफ द सीरीज, दे कैन टेक हैरी पॉटर थीम टू ऑफ एडिनबर्ग टू विजिट देयर फेमस लोकेशन एंड लर्न मोर अबाउट द सिटी कनेक्शंस टू द मूवीज ऑफ हैरी पॉटर एंड टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई, अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं हमारे जैसे, तो एडिनबर्ग हैज लॉट ऑफ स्पूकी थी. उसमें से एक एडिनबर्ग का हॉरर मूवी टूर जो हमने लिया, एंड इट वाज लेड बाय अ नॉलेजेबल गाइड जिनका नाम था मैकेंजी पोल्टरग्रेस्ट एंड रॉयल माइल बॉल्स. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, अगर आप लोग भी जाए तो ज़रूर लीजिएगा. मतलब इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, कि वो बिल्कुल अंडरग्राउंड से ले जाते हैं, डिफरेंट टेरिफाइंग टेल्स बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, विच इज़ इंस्पायर्ड बाई मोस्ट फेमस हॉरर मूवीज आई वुड से. फॉर एग्जाम्पल, वन इज़ द सिटी डार्क हिस्ट्री, और भी डिफरेंट मूवीज से वो पूरा डिटेल बताते हैं. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और अगर आई वुड से कि हॉरर मूवी टूर इज़ अ मस्ट टू डू एक्सपीरियंस फॉर एनी हॉरर मूवी बफ और फैन ऑफ द सुपर नेचुरल. बट एक चीज़ और, अपने फ्रेंड या किसी और के साथ जरूर लेके जाना फॉर द मॉरल सपोर्ट. मेरे साथ तो प्रवीण थे तो मुझे कुछ हुआ नहीं, अदरवाइज अकेले तो आई कैन नॉट डू इट. तो शाम हो चुकी है, 6:30 के करीब हो चुका है, और हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि बारिश हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई है और अंधेरा भी हो रहा है. तो इट्स सेफ कि 6:30 पे हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि 2 hours की ड्राइव है फ्रॉम एडिनबर्ग टू ग्लासगो. और मेरा, प्रवीण इज़ ड्राइविंग, तो मेरा काम है रेस्टोरेंट का, और मैंने फिक्स कर लिया है रेस्टोरेंट, और मैंने चूज़ किया है मदर इंडिया, विच इज़ लाइक 25-year-old रेस्टोरेंट. और जो हमारे जैसे फूडीज़ हैं उनको दिस स्कॉटलैंड का ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कल जब मैं ग्लासगो आई और मैंने जब ऑर्डर किया, देखा तो ऊबर ईट्स पे बहुत सारे ऑप्शंस थे इंडियन रेस्टोरेंट के, एंड आई वॉज़ वेरी मच सरप्राइज कि
इतना मतलब ठंडा ठंडी जगह है, छोटा प्लेस है, तो इतने ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट। और एक चीज सरप्राइजिंग मुझे ये भी लगा, जो डिलीवरी बॉय था ऑल्सो ही वॉज इंडियन। देन मैंने उनसे पूछा, इन्होंने बोला कि मैडम यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है इंडियंस की, और पाकिस्तान के भी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इट्स गुड कि हमारे नेबरहुड के भी लोग यहाँ पे ज्यादा है, और इसी वजह से इंडियन और इंडियन पाकिस्तानी मिक्स फूड क्यूजीन्स यहाँ पे काफी ज्यादा हैं। एक चीज़ ये अच्छी बात हुई कि हम सही टाइम पे मॉर्निंग में निकल गए थे, जिससे कि हमने एडिनबर्ग काफ़ी कवर कर लिया, क्योंकि वेदर परफेक्ट था। और इस सीज़न में, इस मंथ में आप जब भी आओ, आई थिंक दिस मंथ इज़ गुड फॉर दिस एडिनबर्ग ट्रिप, अदरवाइज़ यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती है, तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और जब भी प्लान करें तो, क्योंकि आज स्काई वॉज क्लियर, सन था, जिसने हमारी जर्नी को काफ़ी इंजॉयबल बना दिया। और एज वी लाइक ड्रोव थ्रू स्कॉटिश कंट्री साइड, तो काफ़ी अच्छे व्यूज थे, काफ़ी सीनिक था, ब्रेथ टेकिंग व्यूज थी, रोलिंग हिल्स था, फोटोजेनिक है। हमने तो पूरे रास्ते में हॉल्ट कर करके बहुत ढेर सारी फोटो क्लिक्स की है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बॉलीवुड गाने सुनते हुए, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, इस ड्राइव को एंजॉय करते हुए। सबसे अच्छी बात यही होती है रोड ट्रिप की, कि आप अपने हिसाब से कोई भी गाना प्ले कर सकते हो, कुछ भी खाते पीते हुए, झूमते नाचते हुए, एंजॉय करते हुए सीनिक व्यू को कर सकते हो। आपको कैसा लगा एडिनबर्ग, जरूर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और क्या आप लोग भी प्लान कर रहे हैं स्कॉटलैंड जाने का, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत ही। सो फाइनली आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ड्राइव हम ग्लासगो पहुंच गए हैं। कल हम लोग नॉर्थ पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड को एक्सप्लोर करेंगे, तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल इफ यू लाइक आवर कॉन्टेंट, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन for the notification of our next video. Thank you for watching.